अरे लैला मजनू हीर रांझा फिल्में देखी कि नहीं देखी? चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, पकड़ लो, घर जाके ना लेना, चलो चल चलो। ए, चल, चल। जंगली मैं भी कहा सांप और नेवले की लव स्टोरी जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, साला कुछ और जोरदार धमाका करना पड़ेगा। स्वामी स्वामी अरे स्वामी देखिए देखिए, यहाँ कोई स्वामी नहीं रहता, ये कालीचरण का घर है। ये कालीचरण ये रहे मेरे स्वामी। स्वामी ये मैं क्या सुन रही हूँ, मेरे रहते आप दूसरी शादी कर रहे हो? शादी? अरे नालायक, ये सब क्या है? नालायक? मेरे स्वामी को नालायक बोलने वाले एक ही हो सकते हैं, मेरे ससुर जी। ये क्या है? स्वामी स्वामी, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, मैं तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राम प्रसाद जी, हमारी टीना। मुझे मालूम है, आओ चलो आओ चलो, सबको बुलाओ, मोहल्ले में कोई बचना नहीं चाहिए, बुलाओ। हमारी बहन की हम रक्षा करेंगे, उसका हक उसको दिला के रहेंगे, उसका बच्चा मरने नहीं देंगे, लोरियां गाएंगे। ये मेरा नालायक बेटा, शादी कैंसिल, शादी कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल? देखिए देखिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताइए असलियत क्या है? आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्ट मेरे स्वामी से पूछिए ना। हाँ हाँ अंकल, ये सच कह रही है, और हमने हमारी होने वाली प्यार की निशानी का नाम भी सोच रखे हैं, लड़का होगा तो लव और लड़की होगी तो लवली। आखिर विश्वनाथ का गंदा खून उसके बेटे में आ ही गया। अरे यार, गलती मेरे बेटे ने की है, उसमें मेरा खून कहाँ से आ गया? इडियट, और तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल नहीं, डांटना नहीं उस बच्चे को, मैं ये मान नहीं सकता, बिल्कुल झूठ है ये। देख बेटा, बेटे मुझे तू असली कहानी बता। अरे वो क्या बताएगा, उसकी तो बोलती बंद है, कहानी है राम प्रसाद बनाएगा, मतलब सुनाएगा। बताइए राम प्रसाद जी, क्या कहानी है? अपना दिल और दिमाग खुला रख के कहानी सुनिए। दोनों किल होली के पक्के रंग में जकड़े उठे, बदन भीगा था, ऊपर से भांग का नशा। भांग भांग वाली बात गलत है, मैंने बियर पी थी। That's all, my lord. लीजिए। ऑब्जेक्शन 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 my lord. ये लड़की एक नंबर की झूठी है, मैं बताता हूँ। ये लड़की नाइट क्वीन बाल में डांचल है। मैंने राम प्रसाद जी को और विशाल को इस लड़की के साथ प्लान बनाते हुए देखा है। अरे तोतला है साला, झूठ बोलता है तोतला साला। मैंने तुम लोगों का प्लान डिक्की में बैठ के तुल लिया था। नहीं नहीं, वो तो मैं क्या था, खुद तोतले हो गए। मैं अगर आपको यकीन ना आता हो तो इस लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ, अभी का अभी फैसला हो जाएगा। विशाल ये क्या है, ये क्या है विशाल? मैं अभी आता हूँ। ये गायब हो गया। इससे पहले आप लोग मुझे जेल में भेजे, मैं खुद भागती हूँ। विशु, ये हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी है। क्यों राम प्रसाद जी? मैं भी एक मिनट में आता हूँ। ये भी देखा दीदी कैसे बांधा पोड़ा। देखा दे, उल्लू हूँ मैं, बेवकूफ हूँ। कहने की कोई जरूरत नहीं, सब जानते हैं। हाँ लेकिन मैंने अब जाना है, पागल हूँ मैं जो इनकी बातों में आ गया। देखो मेरा प्लान तो 100% फुल प्रूफ था, वो गधे मोंटी ने गड़बड़ कर दी, वरना तो। ये तुम हमेशा उल्टी कुर्सी पे क्यों बैठते हो? हा? क्योंकि आपने हमारी किस्मत को उलट के रख दिया है। जो भी हो, अब जल्दी से कुछ करना है। वो लोग 2 महीने में हमारी शादी करने के जिद लिए बैठे हुए, और मैं ये बंदर से हर के शादी नहीं करूंगी। अबे देखो इसे बोलते, मुझे बंदर बंदर ना बोले। क्या करती हो, क्या करती हो, बंदर का इंसल्ट करती हो क्या? अबे क्या क्या, छोड़ो, मैंने तुम दोनों के बापों की दोस्ती तोड़वाने का एक इंटरनेशनल पैंतरा सोच लिया है। अरे वड़ी साई कालीचरण, हम तो आपका इंतजार कर रहा था, ये हमारे चाइनीज बॉस है समूरा अकुड़ा कुरोसावा, और मैं उनका सेक्रेटरी हूँ जांगियानी। नाइस मीटिंग यू। मुझे ऐसा लगता मैंने इनको कहीं देखा है। वो मच्छर मारने की एड में देखा होगा साई, करते हुए बड़ा फेमस आदमी है ये। हमें एक नई मोटर कार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और गाड़ी का नाम है साईं
खड्डे मोटे मोटे। ओ इंडिया में मोटे मोटे खड्डे के लिए स्पेशल गाड़ी है साईं। मैं आज ही अपने पार्टनर विश्वनाथ से बात करता हूँ। सुजुकी सुजुकी। अरे बाबा गुस्सा मत हो रहा, मैं समझाता हूँ। ये हमारे सेठ जी को तुम्हारे जैसा मेहनती पार्टनर चाहिए, पापड़ खाते खाते। वो तुम्हारा मोटा पार्टनर थोड़ा आलसी है, निकम्मा है साला। वो किस्मत में मानता है, मेहनत में नहीं मानता है साईं। देखिए विश्वनाथ जी, ऐसे नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये पार्टनरशिप फॉर्म पकड़िए और कल शाम को 4 बजे हॉलीडे इन होटल में रूम नंबर 777 में पहुंच जाना है। लेकिन फॉर्म पे साइन करके आना, बड़ी पापड़ खाते खाते। देखिए मेरा नाम विश्वनाथ है, फोन पर हमारी बात हुई थी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या बिजनेस प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। अवशी अब इसका नाम अल फायदा, हम अल बड़ा फायदा। अल बड़ा फायदा, बड़ा फायदा। बिग फायदा। अच्छा अच्छा। और हमारे देश में हमारी 50,000 पेट्रोल के कुएं होती भाई। 50,000 पेट्रोल के कुएं? हमारे देश में तो 50,000 पानी के कुएं भी नहीं है। बकेट पानी, अल्बशी अल्बशी। हाँ, पानी, पानी। हम सोचती हम हेलीकॉप्टर में थोड़ा कुआं इधर लेके आती। हेलीकॉप्टर में? हाँ, अगर तुम हमारा साथ देती तो तुम अरबों में खेलती। एक मिनट एक मिनट, आपकी आवाज कुछ सुनी हुई सी लगती है। रेडियो पे गाना गाती। बहुत फेमस है, बहुत फेमस होती। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं अपने पार्टनर कालीचरण। नहीं यार, वो कालीचरण का नाम मत लेना, वो आदमी का नाम मत लो यार। अब वशी अहू पार्टनर मेरी, हमको अकलमंद पार्टनर चाहिए, अकलबंद नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कॉन्ट्रैक्ट हॉलीडे इन रूम नंबर 777 में शाम को 4 बजे साइन करके लाती, 10 करोड़ पाती। अच्छा दी दी दी, 10 करोड़ पाती। अच्छा दी 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 दी, 10 करोड़। ओहो अब तो जाना ही होगा। अजय खुशु, अरे यार मैं कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मुझे लगा तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हाँ मैं सोचा जल्दी घर चला जाऊं। क्यों? तबीयत कोई ठीक नहीं है, पेट गड़बड़ है। हाँ, स्टाफ के सामने बार बार टॉयलेट में जाना वो भी अच्छा नहीं लगता। तू जा, मैं संभाल लूंगा। तुम? मैं जाऊं घर? हाँ हाँ, मैं हूँ ना, संभाल लूंगा। ठीक है। मिठा हवा। अरे कालीचरण जी, कहाँ चले? टॉयलेट चलोगे? मैं चलूं? गधा कहीं का। अरे आओ आओ अजीत राय, आओ। अरे कैसे हो मोंटी? मत्ता। गलत पूछा, तुम बिजी हो? अरे आप कोई काम दे तो बिजी हो ना। 2-3 घंटे स्टोर को संभालोगे? आप कहें तो जिंदगी भर के लिए संभाल लो। उतनी तुम्हारी हैसियत नहीं है। आप जाइए, मैं देख लूंगा। अपने बेटे को संभाल नहीं सकता, स्टोर संभालने चला। ये दोनों ओवर टाइम करने वाले आज इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं? टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। पीछे तो कोई नहीं है ना? नहीं। मंचूरियन, मिस्टर मंचूरियन, अल फायदा, अल बड़ा फायदा, कोई है क्या? टॉयलेट को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए?
तुम तो ऑफिस संभालने वाले थे, ये ऑफिस है तुम्हारा? मंचूरियन मंचूरियन शेजवान। अच्छा चलो, झगड़ा नहीं करती हम दोनों पार्टनर, झगड़ा नहीं करती। हमारा दो पार्टनर, इनका पार्टनर अलफायदा, हमारा पार्टनर बोल बच्चानी, दोनों कभी झगड़ा नहीं करती। नहीं करती, दोनों पार्टनर चिंचपोकली में चाय का बगीचा खरीदने को गई। अल विश्वनाथ तुम साइन करके लाई। कालीचरण तुम साइन करके लाया पेपर? हाँ वो मैं आप। अच्छा तो अरबों का धंधा करने आए हो कालीचरण, नाम बदल दो अपना, काली नियत रख दो। तुम भी अपना नाम विश्वनाथ से बदल के विश्वासघात ही रख लो। विश्वासघात किया मेरे साथ तुमने। सूरत पर दिखाना अपनी कभी काली। तुम अपनी शक्ल मुझे रोज दिखाना ताकि मुझे याद रहे कि किस तरह के लोगों से दोस्ती करनी है और किस तरह के लोगों से नहीं। ये देख क्या लिखा है मैंने। और तू भी देख क्या लिखा है मैंने। नो हे काली, अरे यार तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले कैसे बता देता? मैं जानता हूं अगर तुझे ये पता चल जाता कि ये बिजनेस करने से मुझे अरबों का फायदा होने वाला है तो तू मुझे मजबूर करता ये बिजनेस करने के लिए, और तेरे बगैर सिवाय मरने के मैं और कुछ नहीं करने वाला हूँ अकेला। ओ यार तू तो सारी बातें वही बता रहा है जो मैं तुझे कहना चाहता था। खाली गले मिलती, कंधा मिलती, ओ यार दिल नहीं भरा यार ऐसा बिजनेस। ये आपका इंटरनेशनल आइडिया था ना? गुरुजी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोग ट्रैकिंग पे बिल्कुल नहीं जा सकते। अरे शादी सर पे है, सारी तैयारियां बाकी है। ठीक है करो तैयारी, शादी के दिन मेरी डोली नहीं मेरी आरती उठेगी अंकल। हाँ अंकल, शादी के बाद मैं सन्यासी बन जाऊंगा। क्या बात करती हो, क्या बात अंकल। मैं तो इसलिए इसके साथ जाना चाहती हूँ ताकि इस बंदर की धर्मपत्नी बनने से पहले मैं इसकी पसंद नापसंद जान लूँ। हाँ अंकल, मैं तो इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि इसे धर्मपत्नी बनाने से पहले इस चुड़ैल को चूड़िया पहनने के लायक बना सकूँ। बात तो दोनों की सही है। हाँ इन्हें जाने देना चाहिए। जाने देना चाहिए, जाने देना चाहिए। ठीक है एक शर्त हमारी भी है। क्या? इन 7 दिनों में तुम दोनों की आपस में बने या ना बने, लेकिन शादी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही करनी होगी। अंकल नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली। तो धर्मपत्नी जी होने वाली, चले चलो। कैसा रहा आइडिया? कमाल किया यार। पाई लगू, पाई लगू, पाई लगू। अपना ख्याल। बाय बेटा, विश यू तो काम हो गया। बधाई हो मेरे यार। बधाई हो। रॉन्ग नंबर। कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ आप और आपके फ्लॉप आइडियाज न हो। हम अपने रास्ते खुद ढूंढ लेंगे। नमस्कार, बाय। हार गए गुरुदेव। चुप कर मनुष्य, ये खेल तो मैं जीत कर ही रहूंगा। आज मुझे ठोकर मार के गए ना, कल मेरे कदमों में सर झुकाएंगे। मगर कैसे? ये इनकी लव स्टोरी में मैं थोड़ा क्राइम एंगल का धनिया डालूंगा, सस्पेंस का मसाला डालूंगा, थ्रिल का तड़का लगाऊंगा, साम दाम दंड भेद, चाहे जिसका भी उपयोग करना पड़े। अब तो इन दोनों बापों की लंका में मैं आग लगा कर ही रहूंगा। ए, कैसे कपड़े पहने हैं ट्रैकिंग के लिए? अपना काम कर, क्या कर रही है? ओए, ओए देख तेरे जैसे गुज्जू बना है, पंजाबी सूट पहनकर चल जा, देख क्या। अच्छा तो तू क्यों चल रही है? जा जाके देख क्या, और अगर अच्छी लगी तो प्रपोज भी कर लेना, और शाम को कैंप फायर के सामने शादी के फेरे भी ले लूं। जा जा। अबे हट, सीधी खड़ी रहे, अभी आता हूँ। हाय हैंडसम।
देसी बोतल में अंग्रेजी दारू, ये कौन है? हाउ आर यू स्वीटी? आई एम विशाखा. आई एम विशाल. आई नो. मुझसे दोस्ती करोगे? व्हाई नॉट. एक बार दोस्ती हो जाए फिर धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा, है ना? राइट? रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. ये मेरा राइट है, छोड़िए आप. अरे विशाल, मुझसे दोस्ती कर लोगे? अरे बाप रे बाप. क्या हुआ? अरे एकदम बिंदास मेरा हाथ पकड़ लिया. अभी तक वहाँ पर खड़ा रहता तो पता नहीं क्या क्या कर लेती. अरे मैं बता दूँ क्या क्या कर लेती. अरे बाप रे, यहाँ भी आ गई से यार. क्यों, लड़की चंगी तो है? वो चंगी, लेकिन मैं चंगा बंगा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ. कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम भी चंगे बन जाओगे. शादी? और इससे दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों नहीं, मैं तो सोच रही थी हनीमून पहले यही बना लेते हैं, फिर घर जाके शादी कर लेंगे. क्यों, है ना? वेरी गुड आइडिया. बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया. विशाल, अरे भाग विशाल, भाग यार, दोनों औरतें पीछे पड़ गई हैं. बाप रे, सुनो प्रियंका, अरे गिलते गिलते बच गए. अरे प्रियंका, तू दल क्या कर ली है बैठ के? कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ. अरे प्रियंका, मेरी बात सुनना. मैं क्या बोल रहा हूँ कि पर्वत के उच्च पाल मस्त डिस्कोटेक कूल है, चल ना. पर्वत के उस पार? हाँ. डिस्कोटेक? हाँ, उधर मस्त क्लाउड आता है. क्लाउड? क्लाउड नहीं, क्लाउड लोग होते है ना. क्लाउड? चलना, चलते उधर. नहीं नहीं, वो विशाल भड़क जाएगा, पापा को जाके कंप्लेन कर देगा. इसका मतलब ये है कि तू विशाल से डरती है? मैं? हाँ. और विशाल से डरती हूँ? डरती है. नो वे. आइडिया. हाँ. विशाखा किधर है? वो देख, पुल पे रो रही है. चलो विशाखा, तुम्हारी आंखों से बारिश और विशाल का है, उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया. हाय, ये सुहाना मौसम और ये तन्हाई. मैं होता ना तो विशाल का दरवाजा तोड़कर उसको गले लग जाता. तुम? मतलब मैं विधाता होता तो. हाँ विशाखा, देखो तुम अभी भी जा सकते हो विशाल के कमरे के अंदर. कैसे? खुल जा टिम टिम. ऐसे विशाल के रूम की चाबी. हम तुम एक तमले में बंध हो और चाबी मिल जाए. विशाल मैं आ रही हूँ, विशाल आ रही हूँ. चले पर्वत के उत्पाल, चले. तबलक. हाय हैंडसम. तुम यहाँ कैसे आ गई? वाओ, हाउ रोमांटिक. वाओ ग्रेट. हेल्प प्रियंका. अरे प्रियंका को छोड़ो, मैं तुम्हारी रजाई. प्रियंका. अरे प्रियंका गई है पर्वत के उस पार. कितनी ठंड में? हाँ, और वो भी मॉन्टी के साथ. हाँ. ओ तुम्हारा डिस्को कहाँ है? अले इधर हम लोग डिस्को ही तो कर रहे हैं. प्लीज कुछ करो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है, वरना मैं मर जाऊंगी. अले मैं ऐसे तुम्हें मरने नहीं दूंगा. ब्रांडी है? नहीं है. कुछ खाने के लिए? बर्फ के गोले बना के खिलाऊं? प्लीज मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो. अरे कुछ करने के लिए तो मैं तुम्हें इधर लेके आया हूँ. प्रियंका, मैंने बहुत से पिक्चर में देखा है कि ठंड से बचने के लिए एक ही रास्ता बचता है. गले मुझे. प्रियंका ठंड है, चलना मजा आएगा. प्रियंका गुंडे भागो. तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड आके मुझे लेकर जाएगा. ये क्या हूँ लगा रखी यार. मुसीबत की जड़े यार. जब तक प्रियंका नहीं आती तब तक चुपचाप बैठी रहो. पता नहीं कहाँ चली गई यार. हम्म.